देशभर में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत जनपद संभल के चंदौसी में कोतवाली रोड स्थित गांधी पार्क से एक रेस का आयोजन किया गया, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी एकता के लिए आयोजित दौड़ में शामिल हुई। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह देश का सपना लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, वैसे ही देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुटे हैं। इस देश में सबसे बड़ी विषमता धारा 370 थी, जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हटाकर दिखा दिया कि ये देश एक है। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर आप रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़ लगाइए, क्या कहना चाहेंगे? आज हम अपने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो इनके सपने थे, जो इनके अरमान थे, जब से लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हुई तभी से चाहते थे कि इस लोकतंत्र में कहीं भी कोई विषमता ना हो, कहीं भी कोई विभिन्नता ना हो, सबके लिए पूर्ण स्वतंत्रता हो। और जब ठीक से देखा तो धारा 370 एक सबसे बड़ी बाधा थी। जो चाहते थे आखिरी समय तक वो चाहते रहे कि हटनी चाहिए, और उनके सपनों को पूरा किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज उनके जन्मदिन पर एक समाज के लिए हमने दौड़ लगा के एक जागृति दी है कि व्यक्ति भले ही चला जाए, लेकिन उसका जो त्याग है, उसका जो बलिदान है, उसकी जो व्यापक सोच है, वो समाज से कभी भी नहीं जा सकती और समाज हमेशा ही पूजा करता है। आज जम्मू कश्मीर में नई सुबह की शुरुआत हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप, जो दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं? नहीं, आप देख रहे हैं कि इसी के पीछे हमारे लोगों ने कितने कितना बड़ा बलिदान किया, और ये तो अच्छी शुरुआत है। सब लोग एक अच्छे चैन की सांस ले रहे हैं, सुख की सांस ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारा भी जीवन है और वास्तव में यह वास्तविक जीवन है। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से, माननीय गृह मंत्री जी के सहयोग से ये सब कुछ हुआ है।